तो कह रहे थे कि कितना मजा आया फिल्म देख के सर, सब इतना अच्छा बनाया है, बस हमारे दिल से दुआ है सर आपकी सब अच्छा काम ही आता रहे। आई थिंक कुछ दिनों में सब्जी वब्जी लेने जाऊंगा तो बोलेगा आप सब्जी के पैसे रहने दीजिए भगवान स्वामी। कि हमने शूट तो कर लिया है, लेकिन अब वो, हाँ हमने पार्ट टू शूट कर लिया है। On top of the world, I mean, we've got so much appreciation from the fans for our work and for the web series. So it's a great combination of appreciation, and I think I'm so very touched. डिफरेंट तो होता ही, क्योंकि सब बिजी है, काम में लगे रहते हैं, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि जितना रिस्पांस अभी मिला है, जैसे मिला है, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, अगर सब ठीक रहता, माहौल ठीक था पूरे दुनिया में, हमारे देश में, फिर भी लोगों को पसंद आता, फिर भी लोग देखते। ये है कि थोड़ा वक्त ज्यादा लग जाता देखने में। अभी क्या है कि वक्त इतना है और कुछ करने के लिए है नहीं, तो एक साथ देख रहे हैं, बिंज वॉचिंग चल रही है, तो डेफिनेटली इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। एंड आई एम ग्लैड कि आप सब इंटरटेन हो रहे हैं, मतलब ऑडियंसेस के रिएक्शन, फोन आ रहे हैं सबको, और जैसे जैसे रिएक्शन, मतलब कमाल के। मैं अभी अपने वॉचमैन, मेरे सिक्योरिटी गार्ड जो 6 महीने से हमारे साथ ही रहते हैं घर पे, वो इतना खुश थे आश्रम देखकर, मतलब उनके उस वो कह रहे थे सर दिल खुश हो गया आपका काम देख के, आपका वेब सीरीज वो बोलते नहीं, वो कहते मूवी देखकर, उनको तो वेब सीरीज एक नया टर्म है। तो कह रहे थे कि कितना मजा आया फिल्म देख के सर, सब इतना अच्छा बनाया है, बस हमारे दिल से दुआ है सर आपकी सब अच्छा काम ही आता रहे। तो यू फील सो नाइस, यू नो, आई मीन लाइक फॉर इंस्टेंस चंदन, तू भी बता ना, तेरी बिल्डिंग में तेरा व्हाट्सएप ग्रुप। हाँ मैं वही बता रहा था, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप है जो है मेरी सोसाइटी में, जो मेरे दूसरे मेंबर्स हैं वो सब देख रहे हैं, और जब मैं ऊपर नीचे जाता हूँ तो कोई ऊपर से आ रहा है तो है जप नाम भोपाल स्वामी जी, जप नाम जप नाम। तो मैं भी तो ये सब चल रहा है आजकल सोसाइटी में। आई थिंक कुछ दिनों में सब्जी वब्जी लेने जाऊंगा तो बोलेगा आप सब्जी के पैसे रहने दीजिए भगवान स्वामी, हमें बख्श दीजिए, आप ऐसे ले जाइए सब्जी के, हमें हम पे दया कीजिए भगवान स्वामी। तो ये सब होने वाला है। But yeah, it's a lot of fun actually. I think, I mean, it's quite evil to say, but it's finally turning out the best year of my life, 2020. सब खुश हैं, सबके आपने लिए जैसे बोला कि सब देख रहे हैं, everybody is happy, binge watching, and our job as actors are entertaining people, and people are getting entertained. और क्या चाहिए? डेफिनेटली। आई मीन हम लोग ये एक्सपीरियंस पहली बार ही कर रहे हैं, क्योंकि रिलीज के पहले कुछ ट्रोलिंग हुई थी इस बारे में, लेकिन हमने हमें ये भी था कि वी हैव द कॉन्फिडेंस दैट प्रकाश जी के करियर की जितनी भी फिल्में आई हैं उसके पहले हमेशा कॉन्ट्रोवर्सीज हुई हैं, और जब फिल्म लगी तो लोग वो कॉन्ट्रोवर्सी भूल गए एकदम से। तो वो था कि डेफिनेटली प्रकाश जी इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल फिल्म मेकर, उन्होंने आज तक ऐसे इश्यूज पे फिल्में बनाई हैं जो जिसपे बनती नहीं फिल्में। उनका हमेशा यही, आई थिंक उनका यही एम रहा है कि मैं अवेयरनेस फैलाऊं फैलाऊं सोसाइटी में, लोगों में, कि ये सब जो है उस पे गवर्नमेंट या जो भी चीजें हैं उनको ध्यान देना चाहिए, इन चीजों पे रुकावट आनी चाहिए, या इन चीजों को क्यों रोक के रखा है, इनको और उभरना चाहिए। तो हमेशा उनकी फिल्में ऐसी बनी हैं, तो वहां ही हमारा डर खत्म हो गया था, क्योंकि अगर कोई और होता तो वो इस सब्जेक्ट को संभाल नहीं पाता, लेकिन उन्होंने इतने प्यार से, इतने रिस्पॉन्सिबली सब्जेक्ट पे काम किया कि ऐसा फीलिंग ही नहीं आता आपको। क्योंकि हमारी सोसाइटी में कितने इवल, कितने क्रिमिनल लोग हैं, कितने कॉन मैन हैं जो अंधविश्वास का फायदा उठाते हैं, तो उसपे अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये किस्म से एक वेब सीरीज बनी है। आई डोंट थिंक सो, जो रिस्पॉन्स सब इनके फैंस से मिल रहा है, देखकर ही मिल रहा है, इतना देख के सबको काम इतना पसंद आया, सारी टीम का काम, मतलब हमारे और भी जो कोलीग्स हैं हमारे इस फिल्म में, इस वेब सीरीज में, उन सबके काम को पसंद किया, तो इसका मतलब तो ये तो हमारे लिए अच्छा ही हुआ है ना, इतनी सक्सेस मिली इस वेब शो को, हमारी इतनी अप्रिसिएशन मिली है, तो लोग तो चाहेंगे कि ये एक्टर के साथ इस एक्टर को इस रोल में लेते हैं, इस एक्टर को इस रोल में लेते हैं, क्योंकि सबका काम एक शोकेस हुआ है सबका काम, और इतने अच्छी तरह से सबके कैरेक्टर्स लिखे गए हैं, और जिस तरह से इन्होंने सबने मेहनत की और काम किया इसमें, आप इसलिए तो इतना एंजॉय कर रहे हैं, आपने खुद देखा है। तो आई थिंक दैट्स व्हाट आई फील, बट आई डोंट नो व्हाट अजय और कंप्लीटली दिस, आई मीन इट्स गोना गेट बेटर ओनली नाउ फ्रॉम हियर। पोस्ट कोरोना वर्ल्ड आल्सो आई थिंक इज गोना गेट बेटर बिकॉज़ पीपल आर गेटिंग यूज्ड टू गुड कंटेंट, गुड एक्टिंग, गुड कैमरा, गुड वर्क, गुड लिटरेचर। सो आई एम श्योर हमारे हमारा काम और अच्छा हो जाएगा, लोग और अच्छी चीजें बनाएंगे क्योंकि बेंचमार्क इज गोइंग अप डे बाय डे। आई थिंक We also don't know the release date, but part two is expected very soon, 2 months or 3 months down the line.
But obviously the official dates will be declared by Mr. Prakash Jha and MX Player. But yes, जैसे कि आप जितना उत्सुक हैं इंतजार कर रहे हैं उतने हम सारे यहाँ पर उत्सुक हैं, बिकॉज जैसे कि बॉबी सर ने कहा था पिछले इंटरव्यू में कि हमने शूट तो कर लिया है लेकिन अब वो, हाँ हमने पार्ट टू शूट कर लिया है, बट ये कब आएगा और कैसे आएगा ये हमें भी नहीं पता, बट यस धमाका तो होगा ही। We'll be right back.